नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैदिक उपचार में। आपके साथ मैं हूँ भावना प्रसाद। दर्शकों, आयुर्वेद यानी आयु का विज्ञान, जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद शाश्वत है, अनादि है। आयुर्वेद हमेशा मूल कारणों पर काम करता है और आपके रोगों को दूर करने का प्रयास करता है। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे आपके रोग दूर किए जाएं, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। आपको कोई भी रोग घेरे हुए है, अगर आप उसे दूर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो रोग हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएं, तो उसके लिए आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी का। बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार बंसल जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे रोग जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं मूल कारण है हमारा पेट, हमारा शरीर। भीतर से हम स्वस्थ नहीं हैं, इस वजह से रोग पनपते जा रहे हैं। देखो जी, पेट तो मूल कारण होता ही है। जब हम हजम नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे शरीर में रोग आ जाएंगे। अधपका भोजन भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और अब जो नई एक रिसर्च हुई है मेरी, और हमने एक नहीं कम से कम 70-80 पेशेंटों पे रिसर्च करी है, और इसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। आपको कोई भी रोग नहीं है, समझो बात, आपको कोई भी रोग नहीं है। एक आदमी 10 साल से बिस्तर पर पड़ा, हमने कहा भी तुम बिस्तर पर पड़े हो, क्यों दुखी हो? उसको तरह तरह की बीमारियाँ, एक्सरसाइज वो कर नहीं रहा, कमरे में बंद है। तो उसका मेन कारण क्या देखा, एक तो उसको मानसिक चिंता इतनी थी कि बिन बात की मानसिक चिंता के कारण उसको मतलब रोग था, और वो उसकी ताकत जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई थी। अब जब हमने कहा भी तुम योग करो, प्राकृतिक चिकित्सा करो, ये करो वो करो, तुम ठीक होने लगोगे, ये होने लगोगे, ये करोगे, तो उसमें एक उत्साह सा जगा। और हमने तो देखा है कि हमारे शरीर में रोग कोई आता नहीं है, सिर्फ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो नसों में खून जाएगा नहीं, जब खून नहीं जाएगा तो तरह तरह के रोग आ जाएंगे। फिर उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, ये बिल्कुल अब कन्फर्म है। पेन क्रियाज में नहीं गया तो किडनी का रोग, डायबिटीज़ का रोग हो गया। किडनी में नहीं गया तो किडनी धीरे धीरे ख़राब होगी। घुटनों में नहीं था, घुटनों में दर्द हो गया, घुटने। पैरों में, एड़ी में नहीं गया तो पैरों में दर्द हो गया, नसें फूल गई। क्या होता है, अब आम आदमियों की जब देखे जाए तो 70% नसें फूलने लग गई हैं। उसका कारण क्या है कि नसों में खून का बहाव जाता नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारा जो मन का है L4, L5 और S1 का, ये दब जाता है। इसके दबने से क्या होता है, नीचे का खून का संचार पैरों में जाता नहीं है। जब पैरों में नहीं जाता तो धीरे धीरे दर्द होने लग जाता है। दर्द में आदमी पेन किलर खाता है। पेन किलर क्या करती है, सिर्फ पेन किलर दिमाग से क्या होता है, उस दर्द को भुला देती है। बस वो जब तक भुला रहेगा उसको आराम सा महसूस होगा, फिर वही स्थिति होगी। और इतने में क्या होता है, वो नसें और सूख जाती हैं। जब और सूख जाती हैं तो और धीरे 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 और भी रोग आ जाते हैं। तो इसलिए इसमें आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, आपने अपनी नसों को खोलना है। जैसे जैसे आपकी नसें खुलेंगी, आपके रोग में यानी दर्दों में बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। जो नीली नीली नसें हो गई हैं, यानी जो खून का संचार नहीं जा रहा है, जैसे ही आप इनको ठीक कर लेंगे आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं तो फिर बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, घेरती जाएगी। आपने अपनी नसों को खोलना है। जैसे जैसे आप नसों को खोल लोगे आप अपने दर्द में बहुत अच्छी राहत पाओगे। और रोग कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई बड़ा रोग होता ही नहीं हमारे शरीर में एक्चुअल में। तो हमने सिर्फ अपने ब्लड को तेज़ करना है, उस अंग तक पहुंचाना है जिस अंग में रोग आ गया है। अगर आप उस रंग में पहुंचाने लग गए तो रोग धीरे धीरे उसमें बहुत अच्छा आराम पड़ने लग जाएगा, और एक दिन आप बहुत स्वस्थ हो जाओगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हम क्या करते हैं, केमिकल की गोलियां खाते रहते हैं, उस दर्द को या उस अंग को शांत करे रखते हैं। वो जैसे जैसे फिर उसका असर कम हो जाता है, फिर वो दर्द या वो रोग और ज़्यादा पनप जाता है, यानी अंग फिर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए एक तो वक्त ना लगाएं और अपने नसों को खोल लें। योग और प्राकृतिक या जितना भी आप करेंगे उससे उतना ही लाभ मिलेगा। देखो, हमने अपनी नसों को खोल देना है। जैसे जैसे हम नसों को खोल लेंगे आपका बड़े से बड़ा रोग भी हार जाएगा। चाहे आपको मैं कह रहा हूँ घुटनों में दर्द, ऑपरेशन बोल दिया। देखो, हमारा शरीर किसने बनाया, परमपिता परमात्मा ने बनाया, वो कोई गलती कर नहीं सकता। ये तो हम जाने अनजाने कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण रोग आ जाते हैं। अब घुटनों में क्या आता, जो घुटने का जो बीच का गैप होता है वो साइनल फ्लूइड सूख जाता, सूखेगा कब,
कोई चीज़ कब सूखेगी दोस्तों? जैसे खेत में पानी नहीं जाएगा तो खेत सूख जाएगा, फसल होगी नहीं। अब वही ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर इसमें खून का बहाव वहाँ तक नहीं जाएगा तो साइनल फ्लूड सूख जाएगा, सूखता 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 एकदम एकदम सारा बंजर सा हो जाएगा, फिर वो हड्डी से हड्डी मिलने लग जाती है। तो हमने क्या करना है, अपने साइनल फ्लूड को बढ़ाना है, खून को चालता कर देना है। जैसे जैसे हमारा ब्लड चलेगा हम स्वस्थ होने लग जाएंगे, बस इतना ही है। कोई भी रोग हम ठीक नहीं कर सकते, समझो बात ने, शरीर अपने आप रोग को ठीक करता है। बिल्कुल दर्शकों, आपका शरीर ही आपके रोगों को दूर करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला शरीर है। आप आयुर्वेद के माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन आप यापन कर सकते हैं। बहुत से रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं, हमारे शरीर में हर जगह रक्त का संचार हो रहा है, जिस अंग में रक्त का संचार नहीं जाता है वहां पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने रक्त को शुद्ध करें, हमारा जो रक्त है वो हमारे पूरे शरीर में अच्छी तरीके से प्रवाहित हो, तभी हम रोगों से बच सकते हैं। और आप वो कैसे कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाता है। फिर भी कोई संशय रह जाता है या कोई रोग आपको घेरे हुए है, रक्त का संचार आपके शरीर में ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या अन्य कोई भी समस्या है जिसका आप प्राकृतिक उपचार चाहते हैं, प्राकृतिक निदान चाहते हैं, तो उसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप हमें फोन करके बता सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है और उसका उपचार आप किस तरह से करें, जिससे कि आप एक प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ जीवन यापन कर पाए। मंजल जी, कहीं ना कहीं आज जैसे कि बताया कि रक्त का संचार जहां नहीं हुआ वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम आ गई है, किडनी की प्रॉब्लम आई उसके बाद अन्य समस्या घेरे चली जाती है। देखो, किडनी की प्रॉब्लम क्यों आई आप ये समझो, उसका काम है सफाई करना। किडनी का काम हमारा क्या है, सफाई करना, मूत्र को बाहर निकाल देना, जितना भी टॉक्सिन होते हैं उसको बाहर निकाल देता है पेशाब के द्वारा, उसका यही कार्य होता है। जब वो खून में से उसको नहीं छान पाता है, धीरे धीरे किडनी बीमारी बैठ जाती है। और जितनी फिर हम केमिकल की दवाइयां खाते हैं, पहले वो किडनी वैसे तो ख़राब है और ऊपर से हम ख़राब कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, ब्लड को पूरी क्योरीफाई नहीं कर सकती। जैसे आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी तो क्या करेंगे डॉक्टर, आपका खून ही तो चेंज करते हैं। डायलिसिस में क्या होता है दोस्तों, खून ही तो चेंज होता है। और हमारे शरीर में मैं कहता हूँ कोई रोग नहीं है, आप मान लो इस बात को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मानोगे। हमारे शरीर में सिर्फ रक्त जब खराब होने लग जाता है तो उस अंग में नहीं पहुँच पाता और वो अंग धीरे धीरे खराब हो जाता है, फिर उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। अब किडनी का भी कहाँ से टेस्ट होता है, ब्लड से टेस्ट हो जाता है, ब्लड बता देता है भाई कि इसमें क्रिएटिनिन भी बढ़ गया, यानी खून में बीमारी आ जाएगी आपके, तो क्रिएटिनिन बढ़ गया या ब्लड यूरिया बढ़ गया या सोडियम बढ़ गया, पोटासियम बढ़ गया। बस हमने अपने ब्लड को सही करना है, वो अंगों तक पहुंचाना है, तो हम जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। जी बंसल जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, सुनीता जी हैं राजस्थान से। हाँ सुनीता जी बताए। सर जी नमस्ते, मैं हाँ, बात करे सुनीता शर्मा। हाँ बताओ सुनीता जी, बताओ बताओ। जी हाँ जी सर, मैं आपके यहाँ से दवाइयाँ ले रही हूँ। अच्छा, किस चीज की? ये मेरे ना को ये कंधे जो होते हैं ना, कंधों में सर्वाइकल की जगह। हाँ जी, हाँ जी, और ये हमारा हिस्सा है ना, इसमें भी मेरे दर्द होता है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो क्या भी होता, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा होता था। तो जी, कितने दिन हो गए हमारा कोर्स करते हुए आपको? मैं आपका कोर्स करते हुए मेरे को 3 महीने हो गए, 3 महीने से दवाई ले रही हूँ मैं। 3 महीने से ले रहे हो, तो कितने परसेंट आराम पड़े आपको ये बताओ। पहले से बहुत आराम पड़ गया है मुझे, पहले अच्छा। से काफी हाँ राहत मिल भी रही है मुझे अभी, अरे अभी ले भी रही है थोड़ी सी दवाइयाँ। अरे ले रहे हो अभी दवाई? हाँ जी हाँ, अभी ले रही हूँ क्योंकि दिक्कत मेरी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, कितने साल पहले ये एक मिनट सुनो, दुनिया आपको सुन रही है, तो कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको ये दर्द की? सर प्रॉब्लम तो मुझे बहुत दिनों से थी, मतलब थोड़ी थोड़ी, तो मुझे 2-3 साल तक थोड़ी थोड़ी थी, फिर बढ़ते बढ़ 6-7 साल से परेशानी थी। अच्छा, 6-7 साल से थी। तो क्या क्या होता था आपके साथ, क्या क्या मतलब दर्द होता था पहले ये बताओ। ये पहले से हल्का सा दर्द हुआ था, गर्दन में शुरू हो गया था। हाँ, ये धीरे धीरे ना शोल्डरों में आने लगा। ठीक है। और मेरी कमर में भी दर्द होता था, चक्कर आने लगे थे मुझे थोड़े, चक्कर बाहर अच्छा। जाते थे चक्कर आ रहे थे। ठीक है। और जैसे अपना काम भी नहीं कर पाती थी, सो नहीं पाती थी। अच्छा, थोड़े समय बाद तो इतनी हालत खराब हो गई कि मतलब चीखे निकलने लगी मेरी, बहुत ज्यादा। अच्छा, चीखे आती थी। अरे देखो, अब पेन किलर से कितनी देर आराम रहता था आपको ये बताओ। चलो सर, मैं एक दिन में ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बता भी नहीं सकती, मैं एक दिन में 6-6 पेन किलर खा लेती थी। अच्छा, इतना दर्द होता था के लिए।
अच्छा बहुत जी, ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा। तो फिर हमारा प्रोग्राम आप कब से देख रहे हो वैसे? सर आपका प्रोग्राम मैं 3 साल से देखना शुरू करा मैंने। अच्छा उससे पहले मेरी माता जी थी, वो देखती थी, है, उन्होंने मुझे बताया आप इनका प्रोग्राम देखो। ठीक मैंने है देखना शुरू करा तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। है। थोड़ी चीजें मैंने, हाँ मैंने थोड़ी चीजें करके नहीं फिर देखी। 3 साल से बेटे देख रहे थे, तो दवाई क्यों नहीं मंगाई आपने पहले? दवाई वही है हमारे, जैसे कि आपको पता ही है सर, टीवी पे दवाइयां हैं तो थोड़ा सा ना लोग भड़का देते हैं। मैंने 2 बार ऑर्डर करके कैंसिल करवा दी थी दवाइयां, के मतलब टीवी अच्छा पे है, आराम नहीं करती हैं। 2 बार मैंने पूरा पूरा ऑर्डर करके मैंने बोले मुझे नहीं लेना। फिर अच्छा, मैंने कहा होगी तो देख ही जाएगी, मैं ले ही लेती हूँ एक बार दवाई। ले अरे ली, मुझे आराम पड़ गया, मैं काफी नहीं ठीक जब हो गई। इतनी अब मतलब पछतावा होता है। नहीं, वो एक कै साल पहले मंगाई थी पहले दवाई आपने मेरी? पहले मैंने मंगाई थी आपकी, साल भर पहले मंगाई थी, अच्छा वो फिर एक कैंसिल कर दिया? उससे पहले 2 साल पहले। हाँ अच्छा जी जी फिर कैंसिल कर दिया था ऑर्डर? किसने जी कह दिया, किसने भड़काया आपको ये बताओ पहले तो। सर पड़ोसी ये होते हैं ना, उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हें आज तो यहाँ डॉक्टर को दिखा दिखा के दवाइयां ले रहे हो, उनसे तो आराम पड़ नहीं रहा है, अच्छा वहां से क्या आराम पड़ेगा। लेकिन जब मुझे लगा ना कि मेरी आराम ही नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से भी दवाई लेके आराम नहीं हो रहा, तो एक बार वहां से भी लेके देख लूँ, तो अच्छा राम भरोसे ले ली, हाँ आराम हो गया, ठीक हो गया। पछतावा, और अगर 2 साल पहले ले ली होती, जो 1 साल पहले, चलो पहली नहीं तो दूसरी बार वाली भी ले ली होती, तो अब तक ठीक हो जाती मैं। हाँ देखो यही तो मतलब लोगों को यही भ्रम रहता है यार, दूसरा कोई ना कोई देखो जाने अनजाने उन्हें गलती कर दी, जो पड़ोसी ने उन्हें मना कर दिया तो आपको बहुत रोक गलती दिया। कर दी। हाँ तो देखो वही तो कह रहा हूँ, और अब 7 7 7 8 8 पेन किलर खा रही थी जब भी आराम नहीं था, और अब कितना आराम पड़ गया। जी अच्छा एक बार बताओ, 3 महीने के अंदर कोई पेन किलर खानी पड़ी आपने ये बता दो बस। नहीं सर, मुझे सिर्फ शुरू में खानी पड़ी थी, 15 दिन तक जो मैंने आपकी दवाई खाई थी अच्छा ना, तब हाँ मुझे एक, हाँ 1 2 दिन खानी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद मैं पेन किलर नहीं खाती। अब तो मैं अच्छा आपकी भी दवाई छोड़ देती हूँ एक आध बीच में, तो नहीं होती है, दर्द नहीं होता ना, देख लो यही तो खासियत है, एक दो नहीं दिन छोड़ दे होता। तो नहीं होता। क्योंकि बेटे क्या हुआ आपकी, जैसे जैसे नसें खुलने लगी आपको दर्द में आराम पड़ने लग गया, पेन किलर धीरे धीरे छूट गई। मैं तो यही कहता हूँ शरीर में कोई रोग नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 5 साल से परेशान थी, 2 साल से तो चीखे निकलती थी, इतना दर्द होता था क्या तुम्हें? बहुत ज्यादा दर्द सर, ये गलती मेरी है ना, मैंने शुरू में ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे। हाँ वही है ना, घर की औरतें ध्यान कहाँ देती हैं इन चीजों पे। ये लगा था कोई बात नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे दर्द हो गया है, तो घर में हाँ मालिश कर ली या फिर कुछ किसी ने बता दिया वो चीज कर ली, लेकिन अच्छा ध्यान नहीं दिया। जब डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने बोला फिर के ना आपको सर्वाइकल है। हमने तो हाँ कभी नाम भी नहीं सुना था सर, ऐसे ऐसे दर्दों का नाम, साइटिका, सर्वाइकल। फिर अच्छा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया सर्वाइकल, ऐसा भी सर्वाइकल होता है, पता चली थी हमें। अरे भाई अच्छा, तो अच्छा एक बात बताओ, चलो पहले कितने की दवाई खाते थे अंग्रेजी दवाई आप, कितने का खर्चा हो जाता था बीनने का आपका? सर अंग्रेजी दवाई तो वही मिलती थी, 7 7 दिन की, 8 8 दिन की मिलती थी, कभी 500 रुपए की हो जाती थी, कभी 1,000 रुपए की हो जाती थी, अच्छा कभी मतलब अलग अलग डॉक्टर थे तो अपने हिसाब से अपनी अपनी दे देती हैं अच्छा कई दवा। डॉक्टर बदल लिए थे? अरे बदलने पड़े सर, क्योंकि अगर एक से आराम नहीं मिलेगा तो सर कहीं ना कहीं तो मैं जाऊंगी। हाँ ना ये अब तो उनसे बात आराम ठीक नहीं है, मिला तभी मैं आपके पास आई थी। हाँ ना ये बात सही है। अच्छा, तो फिर क्या कोरियर जल्दी पहुंच जाता है राजस्थान में, तो देर में पहुंचता है नहीं कोरियर? सर, हमारे वहां पर ना, हमारे वहाँ थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है, वैसे भी मैं पेमेंट करा के लेती हूँ। अच्छा तो 3 दिन में 4 दिन में पहुंच जाता होगा ना? हाँ जी मैं पेमेंट कराती हूँ आपके वहाँ पर, पेमेंट अच्छा कराने के ना 2 3 दिन के, 2 3 दिन के अंदर आ जाता है मेरे पास दवाई। हाँ तो देखो पहले पेमेंट कराने के बाद जल्दी आ जाता है ना, तो फिर 10 12 दिन लग जाते हैं, हाँ जी तो यही डॉक्टर। अच्छा एक बात बताओ, आम लेडीजों को आप क्या कहोगी दर्दों में अब? अच्छा एक बात बताओ, नसों को खोलने का कितने का कोर्स मंगाया था आपने, कितने का मंगा रहे हो कोर्स से? मेरा 4,650, 4,650 रुपये का बताया था उन्होंने मेरे अच्छा को। नसों का खोलने का एक कोर्स था ना पूरा आपका? हाँ जी हाँ जी, नसों के खुलने का, क्योंकि उन्होंने बोला ही ये मेरे को कि आपने ये मंगाओगे तो इससे आपको सारे कमर में भी आराम पड़ जाएगा, गर्दन में भी आराम पड़ जाएगा। मैंने चलो मंगा के देख लेती हूँ, अच्छा क्योंकि अच्छा हफ्ते हफ्ते बाद दवाई इतनी महंगी महंगी आई थी, मैंने थोड़ी एक एक महीने की एक बार ही मंगा के देख ली, तो ठीक है 4,650 की मैंने मंगाई थी। अच्छा, देखो अब आराम पड़ हाँ गया जी ना। अच्छा एक बात बताओ, अब 3 महीने जी हो गए लेते हुए, 3 हो गए पूरे या तो जी अभी सर, कम रह गए दिन? 3 चौथे महीने की मैंने ऑर्डर कर रखी है, आने अच्छा वाली होगी आने एक वाली होगी, महीने में। चलो बहुत अच्छा। ये बताओ अब दर्द कितने मतलब दर्द, अब रात को नींद कैसी आती है अब? अब तो नींद अच्छी आ जाती, पहले तो मतलब खुद तो सोती नहीं थी, घर वालों को भी नहीं सोने देती। अच्छा हाँ, तो दर्द में क्या करेगा हाँ जी आदमी, यही हालत होती है देखो। जी जी
अब घर का खाना वाना सही बना लेती हो आप या नहीं? मतलब दर्द में अब कितने, मतलब नसों में जो रुकावट थी आपके, जो गर्दन में चक्कर सक्कर आते, चक्कर आया कोई 2-3 महीने के अंदर बताओ? हाँ, अब नहीं आया चक्कर सर। शुरू में आते थे चक्कर, चक्कर तो मुझे दवाई खाने के बाद में एक बार आया था, शुरू में ही 7-8 दिन के अंदर अंदर, फिर उसके अच्छा बाद में आज तक नहीं आया चक्कर मुझे। नहीं आया ना, देख लो यही तक, क्योंकि जैसे जैसे नसें खुली आपको आराम पड़ गया। हम यही कहते हैं, हम हर एक को जी ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। देखो जैसे जैसे आपकी नसें खुलेंगी आपको आराम पड़ जाएगा, और वही वही हुआ, 3 महीने में धीरे धीरे आराम पड़ गया। 3 महीने में कितने परसेंट आराम है आपको ये बताओ पहले। सर, मैं परसेंटेज में तो नहीं बता सकती, क्योंकि मैं एक पर ये कहूंगी, मैं पहले तो बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक हो ना, इतनी चलो रात है मैं आराम से सो जाती हूँ, अच्छा। मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान नहीं होते हैं, हाँ, बस ये सर, तो मैं तो ये कहूंगी मैं तो बहुत ठीक हूँ। हाँ बहुत ठीक हो ना, चलो बहुत अच्छा। देखो जी यही हम कहते हैं, तो लोगों को भरम रहता है बस, क्या है, जैसे जैसे आपकी नसें खुलेंगी आपको आराम पड़ जाएगा बस, और क्या बात है। हमारा शरीर में मैं कहता हूँ कोई रोग नहीं है, हम पेन किलर खा खा कर उसको और ख़राब कर देते हैं। अब देखो 7-7, 8-8 पेन किलर खाएगा तो आदमी का क्या हाल हो जी जाएगा, और 5-5 साल से आप बीमार थी। देखो चलो आपको बहुत अच्छी राहत मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बस जी, एक दिन के अंदर 5-6 पेन किलर्स खाना और दर्द के मारे चीख निकलना अपने आप में दयनीय है। देखो क्या होता है, सर्वाइकल में क्या होता है, नसें रुक जाती है, नसें रुकेंगी तो दर्द होगा, तो 2-3 घंटे तक आराम रहेगा, फिर वही है स्थिति। वो तो क्या होता है, पेन किलर आपके सिर्फ दिमाग को भुला देती है दर्द को, वो जब तक उसका भूले रहेगा तो दर्द नहीं, दर्द तो वहीं का वहीं है, दर्द कहीं नहीं गया, वो आपने भूल गया बस, जैसे उसको फिर याद आया फिर चालू हो गया दर्द। बिल्कुल दर्शकों, जीवन भर औषधियों पर आपकी निर्भरता को खत्म करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है कि भाई आपकी जो औषधियों पर निर्भरता है वो खत्म हो जाए। आप कहीं ना कहीं एक स्वस्थ जीवन यापन तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, कुछ अनजाने में गलतियां ऐसी हो जाती है जिससे कि रोग आपको घेर लेते हैं। आप उन्हें दूर कर सकते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का आप सेवन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं जी। बंसल जी, राजमोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अम्बाला से। हाँ राजमोहन जी बताए। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर हाँ साहब। नमस्कार राजमोहन जी, बताए बताए। 3 महीने से डॉक्टर साहब मैं आपसे दवाई मंगा रही हूँ, शुगर की और इसकी घुटने के दर्द की, जो दवाई तो थी। शुगर कितना अब लेकिन आपका? डॉक्टर साहब शुगर तो अभी भी, डॉक्टर साहब जब मैं बाहर जाती हूँ लैब में तो 170-180 आता है, हाँ तो ठीक लेकिन है जो मैं मशीन नोर। से चेक कर नहीं हाँ जो मशीन से चेक करती हूँ उसमें 380-350 ना ना, इतना ही आ। मशीन से नहीं, बाहर से जो चेक कराते हो ओरिजिनल होता है, मशीन के सेल खराब हो गए होंगे, तो मशीन के सेल हमेशा हाँ वो दो या ना, 3 महीने में चेक करो। देखो वो तो लैब में चेक कराओगे तो 170-180 आता, तो वो ओरिजिनल होता है ना, असली तो वही है। अच्छा दर्द में कितना आराम पड़े आपको ये बताओ। दर्द में लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ना ऊपर वाले हिस्से में तो दर्द कम है, लेकिन अच्छा जो घुटने से लेके पैर तक जो है ना, घुटने में भी स्वेलिंग है और हाँ पैरों में भी स्वेलिंग है और हाँ पेन है कि चला नहीं जाता, टक टक बोलते हैं घुटने। ना, वो तो क्या है कि नसें ज़्यादा सूख रही है ना आपकी बहुत। शुगर कितने साल से थी आपको ये बताओ। जी चलो प्रोग्राम मेरे ख्याल में ख़त्म हो रहा है, टाइम शायद हो रहा है, जी तो इसका फिर पूरा एक बार प्रोग्राम के बाद में आपको मेरे को फ़ोन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिल्कुल जी। दर्शकों, आपकी जो भी रोग होते हैं आयुर्वेदिक औषधियां उन पर कार्य करती हैं और धीरे धीरे असर करती हैं। जैसे कि हमारे पेशेंट थे, उन्होंने बताया कि उन्हें धीरे धीरे आराम मिल रहा है, तो आपको भी आराम मिल सकता है। नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम बंसल जी का। बंसल जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार। Please subscribe our channel and click the bell button for latest updates.